हे गाइस, आज हम आप लोगों को क्लास 12th के केमिस्ट्री के यानी कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देने वाले हैं। गाइस, ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी लोगों को इस क्वेश्चंस को तैयार कर लेना चाहिए। गाइस, ये सभी क्वेश्चन गेस्ट क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने की चांसेस बहुत ही अधिक है। गाइस, मैं फर्स्ट चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट करा चुका हूँ और गाइस मैं सभी को बता दूँ, सोमवार को मंडे के दिन मैं पूरे फर्स्ट चैप्टर का एक मैराथन क्लास लेने वाला हूं, जिसमें मैं पूरे के पूरे फर्स्ट चैप्टर को 3 से 4 घंटे में पूरी तरीके से कंप्लीट करा दूंगा। गाइस, आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रहा हूं और मंडे को मैं फर्स्ट चैप्टर का एक मैराथन क्लास के जरिए पूरी के पूरी 3 से 4 घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर को रिवाइज करा दूंगा, मतलब कंप्लीट करा दूंगा। एक बार पहले तो मैं कंप्लीट करा ही दिया हूँ, एक बार फिर से मैं आप सभी को पढ़ने का एक चांस दे रहा हूँ। सभी लोग जरूर क्लास में प्रेजेंट होना, ठीक है। टाइमिंग मैं आपको संडे को बता देंगे, ठीक है। तो चलिए, आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस फर्स्ट चैप्टर के, जो कि गेस्ट क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन हैं अति लघु उत्तरी तथा लघु उत्तरी प्रकार के, सभी क्वेश्चन को जान लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए। गाइस देखिए, आज जो आपका सेकेंड चैप्टर का क्लास था, नर्मलता के बारे में हम लोग पढ़ने वाले थे, आज नहीं होगा, संडे से मंडे से होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? कहते हैं यह कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? मैं आपको बताया था, और जिन्हें नहीं आ रहा है वे सभी लोग जरूर मंडे के क्लास में प्रेजेंट होना और जरूर इन सभी क्वेश्चंस को मैं वहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी की पूरी चैप्टर को कंप्लीट कराया हूं। और जिन्हें आ रहा है सभी लोग ईमानदारी पूर्वक सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेजना, मैं आपकी कॉपी को चेक करूंगा, ठीक है। सभी लोग भेजना मुझे। सेकेंड क्वेश्चन है आप सभी के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है कि सहसंयोजी ठोस सहसंयोजी ठोस के उदाहरण सहित समझाइए। सहसंयोजी ठोस को उदाहरण सहित समझाइए। थर्ड क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि इकाई सेल या फिर एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं? इकाई सेल या एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं? फोर्थ क्वेश्चन है आप सभी के लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, सहसंयोजी ठोस के उदाहरण सहित आपको समझाना है, इकाई सेल या एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं, ठीक है, ये आपको तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह क्वेश्चन क्या है कि आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं, आणविक ठोस क्या है, आणविक ठोस किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है, ये आपको बताना है। पांचवा क्वेश्चन कि एकक कोष्ठिका कितने प्रकार का होता है, प्रकार का होता है, एकक कोष्ठिका कितने प्रकार का होता है, पांच क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हूँ। इसके अलावा पांच क्वेश्चन, ये सभी प्रश्न आपके अति लघु उत्तरी तथा लघु उत्तरी प्रकार के प्रश्न हैं। कैसे प्रश्न हैं? सभी प्रश्न अति लघु उत्तरी तथा लघु उत्तरी प्रकार के प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं क्लास में आपको समझाया था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सहसंयोजी ठोस क्या है, उदाहरण सहित आपको समझाना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एकक सेल या फिर एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं बताइएगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, जो भी क्वेश्चंस को आपको आ रहा है डिफिनेशन कमेंट बॉक्स में निसंकोच कमेंट कर देना। आणविक ठोस किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है, ये इंपॉर्टेंट है। एकक कोष्ठिका कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार या तीन प्रकार, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
सभी लोग बताना, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन होने के बाद छठवा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, लिखना आप सभी लोग। छठवा क्वेश्चन, निम्नलिखित को समझाइए, निम्नलिखित को समझाइए, क्या समझाना आपको? सबसे पहला है आप सभी के लिए, निम्नलिखित को समझाइए, सरल घनीय एकक कोष्ठिका, इसको समझाना है। दूसरा है आपका फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसको आपको समझाने का मतलब इसका फिगर बनाकर आपको बताना है कहाँ कहाँ पर उपस्थित होते हैं। तीसरा है आपका काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, ये है क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन आप सभी के लिए, सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन क्या है कि इसे क्या कहते हो? इसे कहते हो SCC, इसे कहते हो FCC, इसे कहते हो BCC, ठीक है। आपको सातवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में, निम्नलिखित लिखित के सभी एकक कोष्ठिका में, एकक कोष्ठिका के प्रति इकाई सेल में, प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या लिखिए, लिखिए। पहला क्या है, या सीसी के प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितना होता है, बीसीसी में कितना होता है, यफ सीसी में कितना होता है, ये आपको लिखना है। ये दोनों क्वेश्चन आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके, देखिए ये क्वेश्चन मैं गेस क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन को मैं ट्विस्ट किया हूँ, लैंग्वेज को मैं ट्विस्ट किया हूँ। अगर समझ सके हो तो इस क्वेश्चन का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। मैं सभी क्वेश्चन जो फर्स्ट चैप्टर की इंपॉर्टेंट हैं सभी को मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आप सभी के लिए कि समन्वय संख्या से आप लोग क्या समझते हैं, समन्वय संख्या तथा संकुलन क्षमता से क्या समझते हैं, जते क्या समझते हैं, और निम्न का समन्वय संख्या तथा संकुलन क्षमता लिखिए, ठीक है। किसका किसका लिखना है आपको, लिखना है आपको BCC का। मैं वहाँ पे आपको ट्रिक के जरिए सभी चीज़ें याद कराया हूँ, BCC का। सेकेंड है आपका FCC का, थर्ड है आपका SCC का, फोर्थ है आपका HCP या CCP का, मैं वहाँ पे बताया हूँ। अगर आपको नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है आप सभी के लिए कि फ्रैंकल दोष तथा शॉटकी दोष क्या है, इनके बीच अंतर लिखिए इनके बीच अंतर लिखिए। फ्रैंकल दोष तथा शॉटकी दोष क्या है, इनके मध्य क्या लिखना है आपको, अंतर लिखना है। दसवां क्वेश्चन क्या है आप सभी के लिए, दसवां क्वेश्चन है कि साधारण नमक कभी कभी पीला रंग दिखाई देने लगता है, क्यों? साधारण नमक
का रंग कभी कभी पीला पड़ जाता है, पड़ जाता है क्यों? साधारण नमक कभी कभी क्या हो जाता है, साधारण नमक का रंग कभी कभी क्या हो जाता है, पीला पड़ जाता है, ऐसा क्यों होता है बताइए जरा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्यों ऐसा होता है, मैं आपको नहीं बताया हूँ, जरा बताइएगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है, कमेंट करके सभी लोग बताइएगा। दसवां के बाद ग्यारहवां क्वेश्चन, क्रिस्टल के घनत्व का व्यंजक लिखिए, ठीक है। ये 11 क्वेश्चन मैं आपको दिया हूँ, ये मत समझना बस इतना ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आप ये तैयार कर लेते हो तो आपके अति लघु उत्तरी प्रश्न तथा बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न तथा लघु उत्तरी प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। वैसे तो मैं इस चैप्टर के पूरे 40 बहुविकल्पी प्रश्न रखा हूँ, जल्दी मैं आपको 40 के 40 बहुविकल्पी प्रश्न, ये जो मैराथन क्लास होने वाली है मंडे को, उसके बाद मैं पूरी 40 के 40 बहुविकल्पी क्वेश्चन को एक साथ करा दूंगा। ये 40 बहुविकल्पी प्रश्न करने के बाद आप समझना आप गंगा नहा लिए। गंगा नहाने का मतलब क्या है कि उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन तैयार करने की जरूरत नहीं, फर्स्ट चैप्टर से पूरी तरीके से आप स्वतंत्र हो जाओगे, क्या हो जाओगे, स्वतंत्र हो जाओगे, ठीक है। ये 11 क्वेश्चन है, मैं आप सभी के प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ, इस 11 क्वेश्चंस को आप लोग अपने से ट्राई करना, लिखना, जो क्वेश्चन हो रहे हैं उसको करना, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन मैं सब कराया हूँ, नहीं समझ में आ रहे हैं इसका मतलब कि आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है, तो ये क्वेश्चन आप मुझे टेलीग्राम पर भेजना, मैं आपको समझाऊंगा, अच्छे से डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा, और मैं आपकी तैयारी A1 लेवल तक की कराऊंगा, टेंशन मत लेना, बोर्ड में बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। और बस माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सभी लोग लेते रहना, माँ शारदे अगर आपके साथ रहेंगी तो निश्चित रूप से आप बहुत ही अच्छा करोगे, आपका जो लक्ष्य है 90+ उसे प्राप्त करोगे। देखिए आज मैं ये सभी क्वेश्चंस दिया हूँ, इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करना, आज जो थर्ड चैप्टर का मैं सेकेंड चैप्टर जो पढ़ाने वाला था वह नहीं पढ़ाया, और ये मंडे से क्लासेस चलेंगी पढ़ाने वाला, ठीक है। आज आप इन सभी क्वेश्चंस को अपने से ट्राई करके अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।